युवा कांग्रेस व महिला कांग्रेस ने रसोई गैस पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन किया। मुख्यालय राजीव भवन से पुराने बस अड्डे तक रोष रैली निकाली व चक्का जाम भी किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि महंगाई के मार से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि गैस व पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के पीछे मोदी की पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां हैं। जब से मोदी सरकार बनी है, सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं। पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए हैं, जिससे हर चीज अब महंगी हो गई है। प्रदर्शन के जरिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप अभी भी होश में आइए। गरीब जनता के साथ उनकी दोज, उनकी जो वो रोटी खाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप जनता के साथ ये वादा करके, ये विश्वास दिला के आप सत्ता में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महिलाओं पे मार अब की बार भाजपा सरकार। लोगों ने विश्वास करके इनको मैंडेट दिया, लेकिन आज आप नतीजा हम सबके सामने है। युवा सड़क पे, महिला सड़क पे, बेरोजगार सड़क पे, हर किसान सड़क पे, डॉक्टर सड़क पे, इंजीनियर सड़क पे। इन्होंने कहा कि आपदा में आप अवसर ढूंढिए, और इन्होंने बिल्कुल आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढा। कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से लोग 2 जून की रोटी खा पाए कोरोना काल में। अब जब जिंदगी थोड़ी पटरी में आने लगी, तो इन्होंने लगातार अभी पिछले 8-9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। क्या इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाही और इतनी निर्दयी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। आज हिमाचल युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है और साथ ही साथ गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ा रही है, उन सब के विरोध में आज सिंबॉलिक प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में ही नहीं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के आदेशानुसार पूरे के पूरे देश भर में जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे जिस तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और चक्का जाम किया जा रहा है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।